दोस्तों सब्सक्राइब करो भंडार टीवी को और दबाओ इस घंटे को ताकि आप ऐसी वीडियो सबसे पहले देख पाओ। नमस्कार, भंडार टीवी के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है दोस्तों। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 5 रुपए का अंडा इस हद तक बालू की लंबाई बढ़ाएगा, देखकर चौंक जाओगे। तो दोस्तों चलिए आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन साथ ही साथ इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कभी सब्सक्राइब कर लें और उसके बाजू में एक घंटी का आइकॉन होगा उसे भी दबा लीजिएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों बालों की लंबाई बढ़ाने के लिए मैंने पहले भी कई वीडियो बनाई है, अगर आप उनमें से किसी एक को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर सर्च कर सकते हैं। हमारे चैनल पर ही नहीं, आपको YouTube पर भी बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी बालों की लंबाई बढ़ाने के लिए। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आपने आज तक ऐसा नुस्खा ढूंढ कर निकाल पाए जो कि सचमुच में आपके बालों की लंबाई बढ़ा पाए? नहीं ना। लेकिन इस वीडियो को आप जरूर अंत तक देखिएगा दोस्तों, क्योंकि यहां मैं आपको बताने वाला हूं बालों की लंबाई बढ़ाने के लिए नुस्खा जो कि कारगर होने वाला है। दोस्तों यहां जो चीजें हम इस्तेमाल करेंगे वो तो इजीली आपको मिल जाएंगी, साथ ही साथ 5 रुपए का अंडा भी आप एफोर्ड कर ही सकते हैं जो कि आसानी से आप इस्तेमाल करके अपने बालों को लंबा कर सकते हैं। तो चलिए आपका ज्यादा समय ना लेते हुए इस वीडियो को शुरू करता हूं। तो चलिए आइए जानते हैं क्या क्या चीजें इसमें हमें इस्तेमाल करने की लगेंगी। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो है हमारे सामने प्लेट और ये सब चीजें रखी हुई है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आपको लेना होगा अंडा दोस्तों। जी हाँ, आपको सबसे पहले अंडे का इस्तेमाल करना है। तो इस प्रकार से आपको एक अंडा ले लेना है और उसे फोड़ करके, ध्यान से सुनिए, उसको फोड़ करके आपको उसका पीला हिस्सा निकालना होगा। तो चलिए हम इसे पहले फोड़ लेते हैं और उसके बाद आपको इसका पीला हिस्सा जो निकलता है उसका प्रयोग करना होगा। तो इस प्रकार से जैसी आप इसे करेंगे तो ये जो पीला हिस्सा है आपको इसे निकाल लेना होगा। तो आपको करना क्या होगा कि इस पीले हिस्से को आपको अलग निकालना होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हिस्सा है ये हम अलग करने जा रहे हैं। तो इस प्रकार से हम जो है इसमें डाल देंगे इस हिस्से को। तो आप देख सकते हैं कि हमने जो है ये पीला हिस्सा निकाल लिया है। अब आपको क्या करना होगा कि इसमें कुछ और चीजें मिलानी होगी। सबसे पहले आप इसे एक काम करें कि इस प्रकार से फोड़ लें इसे और इस पीले हिस्से को ही आपको ध्यान से प्रयोग करना है दोस्तों। तो पहले तो इस पीले हिस्से को आप क्या करेंगे, इस प्रकार से फोड़ लेंगे। तो फोड़ने के बाद ये जो है पीला हिस्सा इस प्रकार से रह जाएगा। तो आपको क्या करना होगा कि अभी इसमें दो चीजें और प्रयोग करनी होगी दोस्तों। इस नुस्खे को आप बिल्कुल भी मजाक में मत लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इफेक्टिव नुस्खा होने वाला है। एक बार का प्रयोग आपको बहुत ही जबरदस्त फायदे दे सकता है, इसलिए दोस्तों आप इसको प्रयोग जरूर करके देखें। और वैसे तो आपको पता ही होगा कि अंडे जो है बालों में लगाए जा सकते हैं, इसलिए मैं आपको ये नुस्खा बना करके बता रहा हूं। मेरी जो भी बताई हुई जानकारी रहती है ये मैं पूरी रिसर्च करने के बाद आपको बताता हूं, कोई भी चीजें फेक नहीं होती दोस्तों। बस अंतर यह हो जाता है कि कई लोगों पर वो चीज काम करती है और कई लोगों पर नहीं करती। जैसे दवाई मामलों में होता है कि कई दवाई कईयों पे काम करती है कईयों पे नहीं करती, तो इसका मतलब ये नहीं कि दवाई कारगर नहीं है। तो उस प्रकार से नुस्खे भी रहते हैं। तो आप इस प्रकार से एक बार इसे करके ट्राई करके जरूर देखें, आपको फायदा होगा। तो अब क्या करना होगा आपको, यहां पर आपको ले लेना होगा नारियल के तेल को। तो आपको इस प्रकार से इसमें लगभग 1 चम्मच नारियल का तेल इस प्रकार से डालना होगा। तो ये जो है ये थोड़ा ज्यादा है, तो इसलिए क्या कर सकते हैं कि ये जो चीज है ये वुमेन्स भी इस्तेमाल कर सकती है अपने बालों में। और इसके बाद अभी भी आपको एक और चीज इसमें प्रयोग करनी है। तो पहले हम इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे और इस नुस्खे को पहले थोड़ा सा अच्छी तरीके से इस प्रकार से बना लेंगे। इसके बाद आपको क्या करना होगा कि यहां पर आपको डालना होगा ये। अब ये क्या है, ये है विटामिन ई की कैप्सूल दोस्तों। जी हाँ, ये है विटामिन ई की कैप्सूल, आपको आसानी से मिल जाएगी। किसी भी मेडिकल स्टोर में आप जाकर के इस विटामिन ई की कैप्सूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है विटामिन ई की कैप्सूल, इस प्रकार से दिखती है, आप देख सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है कि इस प्रकार से इसे लेकर के इसी में फोड़ देने हैं। इस प्रकार से फिर क्या करेंगे, आप इसे फोड़ लेंगे और इसे पूरा एक जो विटामिन ई का कैप्सूल का जो अंदर का लिक्विड रहेगा पूरा आप इसमें एक डाल देना और इस प्रकार से ये नुस्खा बनके तैयार हो जाएगा। क्योंकि ये ज्यादा है तो क्या कर सकती है, वुमेन्स भी इसको अपने पूरे बालों में लगा सकती हैं। आप अगर मैन हैं और अगर आपको आप अपने बालों को लंबा करना है तो आप क्या करें कि इसे
थोड़ा सा कम मात्रा में बनाइए। अब यहाँ तक तो हमने जो है बता दिया आपको कि आप किस प्रकार से इसे बनाएंगे। आप जानते हैं कि आप इसका प्रयोग कैसे करेंगे दोस्तों। तो इसका प्रयोग करने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको अपने बालों को सबसे पहले पानी से धो लेना है और अच्छी तरीके से बिल्कुल उसे ड्राई कर लेना है, बिल्कुल सुखा लेना है। और उसके बाद आपको क्या करना है कि अपने बालों को तौलिए से पोंछने के बाद आपको इस नुस्खे को, इस चीज को अपने बालों में लगाना है। आप इसे बालों में बिल्कुल जड़ से लेकर टिप तक लगाएंगे तो आपको अच्छे फायदे होंगे। या आपको क्या करना है कि आपको हर दूसरे दिन में प्रयोग करना है इसको और आपको जबरदस्त फायदे होंगे दोस्तों। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलता हूं आपसे दूसरे वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।